अस्सलाम वालेकुम, राम राम दोस्तों सभी को। हमारे साइड में दशहरा का पूरा मेला लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे मतलब पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट रोड के साइड में पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब रोड साइड पॉडकास्ट। हमने है वेणुगोपाल, चन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, उनके साथ हम कुछ सवाल जवाब करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर एक, आपको क्या लगता है, एजुकेशन बड़ा होता है कि बिजनेस बड़ा होता है? मेरे ख्याल से आपके पास एजुकेशन है, स्किल है, तो बिजनेस बड़ा है आपके लिए। बिजनेस कीजिए, जॉब सब में कुछ नहीं रखा है, किसी के अंडर कितना दिन काम करिएगा, खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जैसे आपकी है चश्मा का दुकान है आपके पास, आखिर में आप एक बैक बेंचर थे ना, कितना मार्क है आप, बहुत मार्क है, हम भी देख। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या तो दूसरा टॉपिक लाना चाहते हैं, छोड़ दीजिए बचपन का बात, छोड़ दीजिए। आपको कभी डेजा हुआ? मतलब जैसे लगता है ना कि मतलब ये पहले भी कर चुके हैं, वैसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे। होता है, लेजेंड सबके साथ होता है। जो समाज में चल रहा है, भक्ति कम और दिखावा ज़्यादा हो रहा है। मतलब काली मंदिर में जाते हैं, भक्ति कम, फोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं, इधर उधर करते हैं, पूजा कम, फ़ोटो ज़्यादा चलता है। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी तो यही चल रहा है ट्रेंडिंग में, फैशन। मतलब भगवान अभी पूजा से नहीं, फोटो से वायरल होते हैं, मतलब चलते हैं ना। ये लोग समझ रहे हैं कि भगवान कुछ देख नहीं रहा है, फोटो डाल देंगे, ये सब भगवान को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। सावन में कहता है मांस मछली नहीं खाएंगे, और साल भर खाते हैं। साबित क्या करना चाहते हैं कि हम लोग शाकाहारी है, ये भगवान का बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ऊपर में सब कुछ नोट हो रहा है। सही बात है, समझे। तो आजकल जो दसवीं में चल रहा है कि मतलब 7 दिन नहीं खाओ, मतलब 1 महीना सावन में नहीं खाओ, उसके बाद 11 महीना पीते रहो, मतलब खाते रहो, तो इस बारे में भी आप बोल दिए कि 1 महीना तक खाली शाकाहारी रहता है, उसके बाद मांसाहारी हो जाता है। रहना है तो शाकाहारी रहो, नहीं तो मांसाहारी बने रहो। ये 1 महीना या 1 हफ्ता में मंगलवार नहीं खाओ, ये बार नहीं खाओ, वो बार नहीं खाओ, खाओ तो सब दिन खाओ, नहीं तो नहीं खाओ ना। आप ये बोलना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, खाना है तो पूरा साल भर खाओ, ये बेकार का दिखावा मत करो कि हम आज मंगलवार है चिकन नहीं खाएंगे, पेल के खाओ, खा रहे हो तो। आजकल जो टिकटॉक में वायरल होने के लिए बच्चा सब वीडियो बनाता है, उसका मम्मी सबका परवरिश का कारण होता है कि आप क्या राय देना चाहेंगे? हमको क्यों पूछ रहे हैं, हम तो खुद लाइक करते हैं वीडियो को। लगता है गलत बंदा से सवाल पूछ लिया। नहीं मतलब जो होता है ना, एक गाना होता है वायरल होने का सिलसिला चल रहा है कि वीडियो बना देंगे, सुबह सुबह वायरल हो जाएंगे, ऑटोग्राफ लेने के लिए आएगा सब, यही सपना होता है सबका। आपका है कि वीडियो आज पोस्ट कर दिए, कल वायरल हो चुके हैं, ऐसा सपना कहीं भी आया है कि मतलब कि वीडियो डाल दिए अगर वायरल हो चुके हैं, सब आया है मेरा घर में इंटरव्यू लेने के लिए, ये लेने के लिए, कभी ऐसा हुआ? रात को सपना तो बहुत देखे, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। मतलब नहीं होता, लेजेंड सबके साथ होता है। ऐसा ख्याल आया है कभी कि स्कूल में टेररिस्ट अटैक कर दिया है, आप पूरा बच्चा लोग को बचा रहे हैं और बचा चुके हैं और सबका फेवरेट हो चुके हैं, ऐसा कभी सपना आया है आपको? जब जब इंग्लिश स्प्रेड हुआ है तब तक हमको सपना आया है, लेकिन पता नहीं कौन उठा देता है, 1-2 छड़ी खाने के बाद तब होश में आता है हमको। पर ये लेजेंड वाला सपना है, सब बच्चा सबका फेवरेट सपना यही होता है कि स्कूल में अटैक हो और मैं बचाऊँ सबको और क्रॉस आके इम्प्रेस हो जाए, यही सब होता है सपना में। तो अभी तक में आपका स्कूल में से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक में कितना गर्लफ्रेंड बन चुका है या क्रॉस रखे हुए हैं? अब ऐसा बात है कि सर का बाल कोई गिन नहीं सकता है और बरसात का पानी को कलेक्ट नहीं कर सकता है। अब समझदार है, समझदार को इशारा काफ़ी है। ये समुंदर से गहरा बात कर दिए आप, इसी के साथ साथ हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो कपाल कटवाया, टकला बने है, क्यों बने? वो 16 साल चल रहा था ना, इसलिए कटवा लिया। सच्चा बात बता दीजिए ना, क्यों कटवाया? क्या बताए, वो डिप्रेशन में चले गए थे, बाल बहुत झड़ रहा था, इसलिए कटवा लिया। आजकल के ये जनरेशन में क्या हुआ, जो बाल झड़ने का प्रॉब्लम जो सिलसिला चल रहा है, बाल झड़ते जा रहा है, वहाँ पर ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या बोलता है उसको, ट्रांस कपाल जो रोपता है ना, मतलब ट्रांसप्लांट, वही
हाँ हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा हो रहा है और कपाल झड़ने का सिलसिला ज़्यादा हो रहा है। हमको तो लगता है कभी क्या कि ये मतलब एक तो साजिश है कि यंग जनरेशन का कपाल झाड़ देते हैं, उसके बाद कपाल फिर से रोपेंगे। हमको तो लगता है ये भी हवा छोड़ दिया है सबका कपाल झड़ने वाला। आजकल जो चल रहा है टिकटॉक में, मतलब टैलेंट जिसके पास रहता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके पास टैलेंट नहीं होता है वो आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे उमर खान कौन है, टिकटॉक का है, वो उसके सुन रहे हैं मतलब फिल्म में आने वाला है, क्या उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहला बात जो आप उमर खान बोले, हम तो उसको पहचानते नहीं है, छोड़ देते, कट कर देते हैं। कट कर देना प्लीज़। कुछ हमको पता नहीं चल रहा है क्यों आदमी इसको फॉलो करता है, पता नहीं। टैलेंट जिसके पास रहता है, कुशल पोखरेल है उसको यार फॉलो करिए, जिसके पास टैलेंट है उसको फॉलो करिए। आप आड़ू जाड़ू पाड़ू को फॉलो करके कुछ फायदा होने, फॉलो कीजिए किसको, प्रीति पासवान को फॉलो कीजिए। तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। प्रीति पासवान, इसकी माँ का मैं पैर पढ़ूँ और सबको मैं नमन कितना रिलीफ होता है, नमन करूँ सबको। छोड़ दिए, नेक्स्ट टॉपिक, कट कर देना प्लीज। सपना देखे है कभी कि साथी मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, आप बहुत रो रहे हैं, जिंदा साथी है पर आप देखे सपना कि वो मर चुका है, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, एक बार देखे थे हम सपना में, मेरा दोस्त मर गया, ऐसे दिखाने के लिए तो हम खुद रोए, बहुत रोए, लेकिन अंदर से खुशी भी हो रहा था कि 10,000 रुपये देना था वो बच गया, और घर में किसी को मालूम भी नहीं है। ये सपना ही था तो ठीक है, जिंदा जिसका सपना देखे होंगे वो उसका नाम बता सकते हैं? आप ही का सपना देखे थे? इमोशनल डैमेज। कैमरा बंद होने के बाद इसको फेलेंगे। ऐसा होता है क्या, जैसे कोई साथी जिंदा हो उसका बारे में देखते हैं कि मर गया है बोल के और रोते हैं सपना में? का फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अभी तो चल रहा है हमारा, प्राइवेट जॉब है अपना, कर रहे हैं। क्या प्राइवेट जॉब, मतलब कौन सा जॉब? प्राइवेट जॉब ऐसे ही ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉब है हमारा, बैनर छापते हैं, मतलब बैनर चैनल बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसी के साथ साथ टॉपिक चेंज करते हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे और उसका जवाब अगर आपने दे दिया तो आपको, आप जीत सकते हैं एक चमचमाता हुआ पन्नी में पैक किया हुआ हैप्पीडेंट, हैप्पीडेंट जीत सकते हैं। तो सवाल ये है, जी जान लगा देंगे इसके लिए, लगाइए जी भी लगाइए और जान भी लगाइए। तो सवाल ये है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने, ठीक सामने खसी ने बच्चा पैदा किया, तो बताइए वो इंडिया का होगा कि पाकिस्तान का होगा? खसी मेल है कि फीमेल है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3-8+1 कितना हुआ? कितना हुआ? -4 हुआ। स्टार्ट करो। तो आप भोजपुरी गीत सुनते हैं? सुनते हैं। तो भोजपुरी गीत में कैसा अच्छा लगता है आपको सुनने में, मतलब कैसा अश्लीलता नज़र आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल नहीं अश्लीलता है, वो तो थोड़ा बहुत है, वो तो अच्छे है। जैसे आप किसी भी गाना में देखिए, भौजिए के लेना चाहता है, मतलब भौजिए के बारे में गीत गाता है, कोई गाना साना देख लीजिए, कमर कमर में क्या है, ढोड़ी लपालप कैसा कैसा गाना है, पतला कमर मोटकी कमर कभी नहीं आता है, पतला कमर क्या 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 अश्लीलता झलकता है भोजपुरी गाना में, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो किसी का फिजिक्स के बारे में कोई दर्शा रहा है, अपना भावना बता रहा है, भावना ऐसे करके दिखाता है। क्या एक तो गाना था ना, कमर करे लो लपालप, लो लपालप क्या था कि तू तो दिल बड़ा खास के हुमा, कमर पर लच 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 लच, कमर में क्या लपालप कर रहा था? अब ये तो देखिए उसका दृष्टिकोण है, जो वो अपना दृष्टिकोण से आपको बता रहा है कि कमर कैसे लपालप करता है। सही बात है, भोजपुरी गाना में हर एक सॉन्ग में कमर होना चाहिए और क्या बोलता है, भाभी होना चाहिए, भौजी, हाँ भौजी, भौजी होना चाहिए, बना दो कोई सब गीत, अभी हम भी बना देंगे। जैसे देखिए ये हमारा दोस्त है, ये शादी कर लिया तो ये इसका इनका वाइफ हमको लगा भौजी, ऐसे हम गाना बता सकते हैं भौजी के बारे में, देखिए
देखे हम पहली नजर भौजी हो, देखे हम पहली नजर भौजी हो, देबू का देबू का देबू का देबू का अपना नंबर भौजी हो, देबू का अपना नंबर। ऐसे ऐसे ले लपा लप करके भौजी के ऊपर में गाना बना सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री। स्कूल का फ्रेंड सबका याद आता है? बहुत आता है। किसका आता है? तो हमारे ऑपोजिट में एक तो फर्स्ट बेंच में बैठती थी ना, बैठता था, बैठती थी जिसका नाम मनीषा थी ना। हम समझ गए, गलती से मुंह से निकलता है और कहीं से नहीं निकलता है। ऐसा लगता है कभी कि उसको मारे थे, ये किए थे, वो किए थे? स्कूल का कांड सब याद आता है कि नहीं आता? उसको किसको नहीं मारे थे वो पूछिए आप, किसको नहीं मारेंगे तो उसमें क्वांटिटी कम होगा, हम बता देंगे गिनती करके। कभी मतलब साथी सबके साथ मिलते हैं तो बोलते बात करते होंगे ना कि इसको मारे थे स्कूल में, ये वाला बात, झगड़ा किए थे, गिल्टी फील हो रहा है और मज़ा आता मारते, तो ऐसा सब बात आता है कि नहीं आता है माइंड में? हाँ, एक बार क्रिकेट खेल रहे थे, कैंटीन का शीशा फूट गया था तो दोस्त के ऊपर इल्जाम लगा दिए थे। आपका शकल ही देख के पता चलता है आप कैसा हो सकते हैं, बोलकर दोस्त मतलब दोस्त को तो प्रिंसिपल सर बहुत पीले होंगे। हम तो भाग गए थे ना, बाद में पता चला, मतलब दोस्त तो बोला होगा कहाँ का दुख रहा है मेरा। हाँ, छड़ी का निशान आज भी है। तो ऐसा दोस्त से सतर्क रहे, सावधान रहे, मौका मिलते ही पीछे हट जाइए। ठीक है, साथ साथ पोस्टकास्ट का यहीं पे अंत करते हैं, आएंगे फिर से, धूम मचाएंगे फिर से, मुलाकात होगा फिर से। चलते हैं, दुआओं में याद रखना, ज़िंदगी सबका ले रहा है, ज़िंदगी जीने के लिए बहाना ढूंढिए, ज़िंदगी तो यूँ ही सबका ले रहा है। आपकी तरह हम भी मायूस है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।